स्वागत है आप सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है खबरा राजस्थान री का। सिनेमा हॉल खुले, 50% सीटें ही इस्तेमाल होंगी। सुखाड़िया वीवी में जनसंख्या दिवस पर पौधारोपण किया। गतसिंहपुर में संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। नागौर कलेक्टर ने न्यायालय के लिए 30 बीघा जमीन स्वीकृति की। नागौर में अवैध निर्माण रोकने के लिए लोडेड पिस्तौल तानी। भीलवाड़ा के बास्केटबॉल खिलाड़ी का भारतीय सेना में चयन। बेनीवाल बोले, पूर्व मंत्री ओला पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। नागौर में व्यक्ति के कपड़े उतार कर बंधक बनाकर पीटा। धौलपुर के सेपाऊ में चंबल का पानी कब पहुंचेगा। भरतपुर हलेना में की गई फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल में 3 माह से बंद पड़े सिनेमाघरों में आज से मनोरंजन की बाहर वापस आ गई है। सिनेमाघरों को अब दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है। लंबे समय बाद दर्शक बदले माहौल के बीच फिल्म देखने का मजा ले सकते हैं। राज्य सरकार की 4.0 अनलॉक की गाइडलाइन जारी होने के बाद सिनेमाघर संचालकों ने सिनेमाघर खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जरूरी सभी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जनसंख्या अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में विश्व जनसंख्या दिवस पर कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने नेतृत्व में पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। लेक सिटी से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर राजेश डांगी की रिपोर्ट के अनुसार इस अवसर पर पीआरसी के भविष्य के विजन एवं प्रोजेक्ट का विमोचन भी हुआ। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने कहा कि देश भर में 18 पीआरसी हैं जबकि राजस्थान में सिर्फ एक ही है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से PG-UG एवं अन्य पाठ्यक्रमों को शुरू करने स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 5 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि राष्ट्र एवं प्रदेश की गणना वाली जनसंख्या में घड़ी की भी स्थापना शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण एवं आवश्यक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि समग्र संस्थानों का समुचित इस्तेमाल हो सके। अध्ययन केंद्र की मानद निदेशक प्रोफेसर सीमा जालान ने बताया कि केंद्र को गति देने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जाएंगे। इसमें 180 शोधताप शामिल हैं। प्रोफेसर जालान ने बताया कि हाल ही में कोरोना टीकाकरण जागरूकता एवं सहकारिता को लेकर 3000 लोगों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया है। इसके निष्कर्ष शीघ्र ही मंत्रालय को भेजे जाएंगे। इस अवसर पर कॉमर्स कॉलेज के डीन पीके सिंह, साइंस कॉलेज के डीन प्रोफेसर घनश्याम सिंह, लॉ कॉलेज के डीन डॉक्टर राशि चौधरी के साथ ही प्रोफेसर कनिका शर्मा, प्रोफेसर एन लक्ष्मी, प्रोफेसर BL वर्मा, प्रोफेसर SK कटारिया, प्रोफेसर नीरज शर्मा आदि उपस्थित थे। नागौर जिला कलेक्टर ने न्यायालय परिसर के लिए 30 बीघा जमीन स्वीकृत कर दी है। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर साहब का आभार जताया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने न्यायालय परिसर के लिए जिला मुख्यालय पर JLN राज की अस्पताल के सामने करीब 30 बीघा जमीन की स्वीकृति प्रदान की है। बीकानेर रोड के पास खसरा नंबर 113 में से करीब 30 बीघा ये जमीन शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सुपुर्द की गई। JLN राज के अस्पताल के सामने स्थित इस भूमि पर न्यायालय भवन, न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारी आवास तथा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, अभियोजन कार्यालय आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस आवापती भूमि के पास ही मेडिकल कॉलेज, मिनी सचिवालय आदि भवनों का निर्माण होना भी प्रस्तावित है। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर की बीकानेर रोड पर रिको के पास रात में चल रहे अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। मौके पर एक हेड कांस्टेबल इतना आग बबूला हुआ कि उन्होंने गोलियों से भरी पिस्तौल तान दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में भय का माहौल हो गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और दहशत फैल गई। कुछ लोगों की समझाइश से मामला शांत हुआ। इसके बाद भी हेड कांस्टेबल राम कुमार विश्नोई का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अपनी वर्दी का खौफ दिखाते रहे। भीलवाड़ा के नौजवान बास्केटबॉल खिलाड़ी शहजाद हुसैन अंसारी का भारतीय सेना में चयन होने के बाद ट्रेनिंग पूरी होने पर प्रथम बार भीलवाड़ा आगमन पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सैयद यूनुस अली की तरफ से अभिनंदन करके हौसला अफजाई की गई। हमारे विजयनगर संवाददाता इरफान अली देशवाली के अनुसार शहजाद अंसारी एक बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। इनके पिता रशीद अंसारी, जो कि एक कारीगर हैं, दिन रात मेहनत करके शहजादे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। बचपन से ही शहजाद की रुचि बास्केटबॉल में थी। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते राजस्थान टीम के कप्तान भी रहे।
हाल ही में इनका स्पोर्ट्स कोटे के तहत भारतीय सेना में चयन हुआ है। स्वागत कार्यक्रम में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मनदीप सिंह साहनी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ओला पर टिप्पणी नहीं होगी। बर्दाश्त नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किसानों दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शीशराम ओला के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा की गई टिप्पणी निंदनीय है। सांसद ने ट्वीट कर कहा कि ओला ने आजीवन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो योगदान किया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता और गौरव भाटिया द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी संकीर्ण मानसिकता झलक रही है। उक्त टिप्पणी को लेकर जाट समाज के साथ सर्व समाज में रोष है। ऐसे में गौरव भाटिया को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। कपड़े उतारकर मारपीट की नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर जिले के मकराना के पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक पीड़ित ने बताया कि उसे कपड़े उतार बंधक बनाकर पीटा गया। उसने बताया कि घर पे किसी जरूरत के लिए वह 8 जुलाई को खान वाले से 16,500 रुपए लेकर घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में प्यास लगने पर नीमली नाड़ी में बने हुए कुएं पर पानी पीने लगा। इस दौरान मोहन राम पुत्र सूरज राम भाकर 4-5 अन्य लोगों के साथ आया। सभी ने शराब पी रखी थी। मोहन राम ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे पकड़ खेत के पास ले गए। आरोपियों ने उसके सारे कपड़े उतारे और 16,500 निकाल कर ले गए। उसे 3 घंटे तक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। धौलपुर जिले का उपखंड मुख्यालय सेपाव भीषण गर्मी में पानी की समस्या से कर रहा है। उसका मुख्य कारण जिले की चंबल नदी से लिफ्ट द्वारा पानी क्षेत्र में सप्लाई नहीं होना है। इसके लिए कांग्रेस सरकार द्वारा सन 2013 में चेन्नई की फर्म से श्रीराम ईपीसी को 32 करोड़ की राशि का टेंडर स्वीकृत किया गया था जिसके कार्य पूरा होकर सन 2017 में क्षेत्र के 44 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। तो आज 8 साल पूरा होने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। धौलपुर जिले में आज भी पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना, दीपक तले अंधेरा होना ही है। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग कई बार क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद को व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं किंतु परिणाम वहीं ढाक के 3 पात है। सैपू के अंतर्गत चंबल लिफ्ट परियोजना जो पिछले 7 वर्षों से लंबित है और विभिन्न गांवों में पानी पहुंचाने का जो कार्य चल रहा है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो सका। इस संबंध में कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी जानकारी ली लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मौजूदा सरकार से ये निवेदन है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए जिससे कि पेयजल की उम्मीद में बैठे ग्रामीण उनकी उम्मीद साकार हो सके। राजस्थान के भरतपुर में हलेना थाने में गांव सरसेना में पिछले दिनों में एक सैनिक की सेवानिवृत्ति पर की गई हर्ष फायरिंग के आरोपी रामस्वरूप उर्फ पप्पू पुत्र बुद्धि सिंह जाट को पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर आरोपी से एक अवैध हैंडमेड देशी रिवॉल्वर, 5 राउंड वाली एक जिंदा कारतूस व हर्ष फायरिंग में चलाए गए कारतूस का खाली खोखा बरामद कर लिया है। हमारे भरतपुर ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार के अनुसार हर्ष फायरिंग के इस मामले को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद से ही आरोपी की तलाश में थाना पुलिस जुटी थी लेकिन पुलिस की सक्रियता को देख आरोपी घर से फरार चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अधिकारी विजय सिंह छोकर ने आरोपी पप्पू राम स्वरूप जाट के बारे में सूचना मिली कि वह गांव पीली से सरसेना जाने वाली सड़क पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। राम स्वरूप जाट निवासी सरसेना के रूप में उजागर हुआ। कल दिनांक 9/7/2021 को पप्पू ऊपर शिकंजा कसते हुए देर शाम गिरफ्तारी की गई। पप्पू के कब्जे से एक रिवाल्वर हथकड़ 5 राउंड देसी तथा एक कारतूस जिंदा और एक समारोह में किए गए फायर का खाली खोखा बरामद कर लिया गया है। आरोपी पप्पू को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बीच से हमारे शुभ 24 रिपोर्टर अमरजीत सेन ने बताया कि भारतीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का अलवर से भरतपुर जाते समय डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जवाहर सिंह बेलन के निवास पर स्वागत किया। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री पार्षद प्रतिनिधि गौरव सोनी नए कृषि उपज मंडी कार्यालय में डीग जल महल की तस्वीर एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। समाज सेविका प्रिय सखी संगठन की संयोजिका मोनिका जैन, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ममता शर्मा एवं अंगाम के पूर्व प्रधानाचार्य चंद्रभान शर्मा ने गांव की महिलाओं सहित स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर पूजा कपिल मिश्रा ने कांग्रेस सरकार राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार, एडवोकेट भावना गांधी,
दिनेश पचौरी, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अर्चना किरार सर्वेश अरोड़ा, समाज सेवी पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता कोहली, पार्षद योगेश कोहली, भावी उपाध्यक्ष सुचित्रा कुमारिया जगदीश फौजी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भरतपुर से हमारे ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार ने बताया कि भरतपुर के भुसावर से जहां पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भुसावर की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समस्त चिकित्सा स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा एवं अध्यक्षता भुसावर उपेसवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी गीता बहन ने की। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय स्मृति के साथ में की गई। सभी कोरोना वॉरियर्स का तिलक पुष्प साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आप सभी ने इस कोरोना महामारी के समय पर स्वयं के जीवन की परवाह ना करते हुए सभी के हित में जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है और प्रेरणादायी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सदा ही उन्नति की ओर बढ़ता जाए, सदा सुखमय और खुशहाल रहे। जैसलमेर से हमारे शुभ 24 ब्यूरो हेड जब्बर सिंह व्यास ने बताया कि जैसलमेर में आज राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। थोड़ा दुकानें खोलने का समय भी बदलाव किया गया है। अब सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें रहेंगी खुली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को लोहावट विधानसभा क्षेत्र में कई गांव की जल प्रदाय योजना तथा 14 नव निर्मित 33/11 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान वीसी रूम में लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई पंचायत समिति सभागार लोहावट में उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए 13.71 करोड़ रुपए की परियोजना का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरोना महामारी व भीषण गर्मी में भी ग्रामीणों के बीच पहुंचने वाले हाकमखा अपर जिला कलेक्टर अब राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास कार्य नरेंगा आंगनवाड़ी शिक्षण संस्थाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। शनिवार को फलौदी की ग्राम पंचायत मुखेरी में तो बाप उपखंड की ग्राम पंचायत जोड़ एवं हिंडाल पहुंचकर संस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक और विद्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति को दूसरी ओर आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए गए, जबकि राष्ट्रीय रोजगार मनरेगा में व्याप्त अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान एडीएम ने संबंधित विभाग के उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। खीचन से श्रवण कुमावत की रिपोर्ट के अनुसार खीचन कस्बे में शाम को हुई हल्की बारिश से ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली। क्षेत्र में पूरे दिन कड़ाके की धूप व उमस से ग्रामीण परेशान रहे। इस बीच शाम को हल्की आंधी के पश्चात हुई हल्की बरसात से ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि हुई थोड़ी बारिश में भी नन्हे बच्चों ने नहाने का लुत्फ उठाया। फलौदी के आऊ कस्बे में स्थित श्री कृष्ण गंगा गौशाला में शनिवार को गोभक्तों ने गौशाला परिसर में पहुंचकर श्रमदान किया। इस दौरान गो भक्तों ने गायों के लिए लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। युवा रवि सेन ने बताया कि गौशाला परिसर को साफ सुथरा बनाने के लिए कई युवाओं ने गौशाला पहुंचकर श्रमदान किया तथा गायों के लिए लापसी बनाई गई। इस दौरान युवाओं के सहयोग से 3 से अधिक ट्रॉली हरा चारा गायों को डाला गया। तत्पश्चात गौशाला में गौ भक्त मोटाराम चौधरी ने मार्गदर्शन पर एक अहम बैठक आयोजन किया, जिसमें कई मुद्दों पर सर्वसहमति का निर्णय लिया गया। कामधेनु सेना के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण व पर्यावरण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह गहलोत का खीरजा फतेह सिंह ने घायल हिरणों की सूचना मिलने पर कामधेनु सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वन्य जीव व पर्यावरण प्रेमी प्रकाश गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सूचना दी गई। सूचना मिलने पर गहलोत ने हिरण को कुत्तों से बचाने वाले लुम्बाराम मेघवाल व इमाराम मेघवाल से तुरंत संपर्क कर हिरण को बालेसर लाया गया। फिर पशु चिकित्सालय बालेसर में प्राथमिक उपचार करवाकर बालेसर वन विभाग के अधिकारी लक्ष्य को सुपुर्द किया गया। जोधपुर के आऊ कस्बे के निकटवर्ती गांव में नोखड़ा भाटियान में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की मेधावी छात्र सेंट योजना अंतर्गत निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया गया। पीईओ मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि स्कूल की 2 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इन प्रतिभाशाली छात्रों को निशुल्क स्कूटी मिलने से अन्य छात्राएं प्रोत्साहित होंगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के लिए पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। इस दौरान शिक्षक सहित कई जने मौजूद रहे। जिला पुलिस अध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना फलौदी पर पिछले 5 साल से फरार स्थायी वारंटी मोहन लाल पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल निवासी मुखेरी पुलिस थाना फलौदी के आज शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फलौदी थाना अधिकारी राकेश कयालिया ने बताया कि वशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट
एनआई एक्ट संख्या 5 जोधपुर महानगर के प्रकरण संख्या 138/2017 में पिछले 5 साल से मोहनलाल पुत्र खेमाराम जाति मेघवाल निवासी मुकेरी फरार चल रहा था, जिसे आज शनिवार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, धन्यवाद।